दोस्तों नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुंगेर में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। संयोग से मैं उस कार्यक्रम में था और प्रधानमंत्री को सुन रहा था। प्रधानमंत्री तीन बात बताए। पहला, मुंगेर योग की धरती है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर है। इसके साथ ही उन्होंने एक लाइन और जोड़ा, जिसे लोगों ने विदेशियों के हाथ में कर दिया। दूसरी बात उन्होंने राम की, श्री राम के बारे में कहा कि जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, यानी जो विरोधी दल है, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, ये अपने आप को श्री राम से बड़ा मानते हैं। मेरा मानना है कि राम पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम रहेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरा मानना है राम वही है जो राम के आदर्शों का पालन करे, और अगर मानव सही से पालन करे वह राम से भी बड़ा बन सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर आप सच्चे कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई सारे ऐसे उदाहरण भी इतिहास में है जिन्होंने भगवान को दर्शन दिया, भगवान जिनको दर्शन दिए, और कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां भगवान भी रुक गए और भगवान को भी हारना पड़ा। तीसरी बात उन्होंने हिंदू और मुसलमान को की कि 500 साल के बाद राम मंदिर बना और ये लोग जो उनके विरोधी हैं वो उस पूजा में नहीं गए। मेरा एक बात कहना है प्रधानमंत्री जी से कि क्या चुनावी मुद्दा यही है? विकास का कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं है। गेहूं की फसल अभी अभी बिहार में कटी है और गेहूं की जो बर्बादी बिहार में हुई है उसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं बोल रही, ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार, ना नरेंद्र मोदी जी को मंच से कहते सुना और ना ही नीतीश कुमार जी को मंच से कहते सुना कि किसानों की फसल इस बार बर्बाद हो गई, उसके लिए क्या करना चाहिए। विकास के नाम पर सिर्फ ढोंग पिटा जा रहा, विकास कहीं दिख नहीं रहा। खैर, ये चुनावी मुद्दा है, लेकिन चुनावी मुद्दे में मेरा मानना है कि शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, विकास पे बात क्यों नहीं कर, आने वाले रोजगार के लिए क्या करना चाहते हैं इस पर बात क्यों नहीं कर, देश, गांव, राज्य का विकास कैसे होगा इस पर बात क्यों नहीं कर, और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बात क्यों कर। क्या प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ हिंदू ही भारत का वासी है, मुस्लिम भारतीय नहीं? अगर नहीं है, क्या प्रधानमंत्री उन सभी मुस्लिमों को भारत से बाहर कर सकते हैं? दोस्तों, चुनाव में अनेक तंत्र काम करते हैं। चुनावी माहौल में लोगों के माइंड को वास किया जाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन गौण रह जाती है शिक्षा, बेरोजगारी, मूलभूत साधन, लोगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं। आज महंगाई कितनी चरम पे है ये हम सभी जान रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी को कहीं बोलते नहीं सुना मैंने। आज बिहार में सबसे ज़्यादा युवा है और वो युवा बेरोजगार है। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं की है तो इसका क्या कारण है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा बिहार में बेरोजगार है, इस पर ना मैंने नीतीश कुमार जी को बोलते सुना, ना ही प्रधानमंत्री जी को बोलते सुना, और ना ही
एमपी के जो कैंडिडेट हैं हर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी का, के उनको बोल के सुन। तो क्या हम ऐसे भाषण को सुनने जाएं जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का माइंड वॉश किया जाता है और लोगों के विकास, बेरोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य के बातों को इसके प्रयोग से दबाया जाता है? सोचना आपको है दोस्तों। जय हिंद।